हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ समझी थी कि बेस्ट लूजर्स स्टॉक मार्केट में, इस ट्रेडिंग गेम में, ट्रेडिंग बिजनेस में कैसे पैसा बनाते हैं। ओके, सो वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मली, अगर एक जो एक इंडिविजुअल है, अगर वो सीखना चाहता है ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट को जानना चाहता है और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहता है, तो उसके लिए कम से कम हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप वो जाएगा तो उसको एक से एक बुक मिलेगी, और लाखों घंटों का वेबिनार्स और कम से कम हज़ारों कोर्सेस उसको मिलेंगे। बट क्या उसको वो असली चीज़ मिल पाती है जो उसको सच में चाहिए ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करने के लिए? तो वो उसका जवाब है नहीं। क्योंकि एक और ख़ास बात है, ट्रेडर्स की एक और ख़ास बात होती है कि हर एक ट्रेडर जो आज सक्सेसफुल है, जो कि तकरीबन 5-10% ही रहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स, वो सब की एक किस्म होती है, एक अलग किस्म के वो ट्रेडर्स बनते हैं। और वो कैसे, वो जगह जगह से जो कुछ नॉलेज होता है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे एक माली एक बास्केट में अलग अलग फूल इकट्ठा करता है, उसी तरीके से एक ट्रेडर, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन वो देखता रहता है ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है तलाशता रहता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है अपने बास्केट में, वो वैल्यूएबल है कि नहीं? क्योंकि अवेलेबल तो बहुत है, जैसे कि फूल बहुत तरह के, लेकिन माली को कौन सा फूल चाहिए वो डिसाइड करता है। इसी तरीके से एक ट्रेडर के पास भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंटरनेट। ओके, फ्लड है, बाढ़ आ जाएगी, इतना डेटा अवेलेबल है। तो इसीलिए ट्रेडर्स को चाहिए कि सिर्फ जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, जो उनकी ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल है, सिर्फ वो उसी को रखें। फॉर एग्जांपल, एक कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जो गाइडेंस है वो ब्रोकर की तरफ ऐसा आती है कि ये टूल इस्तेमाल कीजिए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ये एक यूजलेस चीज़ है। ओके, इन्फॉर्मेशन है, इसको इग्नोर कीजिए। सिमिलरली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, न्यूज़ में कोई बोल रहा है कि हाँ स्टील ऊपर जाएगा, स्टील खरीद लिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये सब यूज़लेस चीज़ें हैं। एक एक्चुअल डे ट्रेडर बनने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जो टॉप 5 या 10% में आना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ही गैदर करनी पड़ेगी। ओके, तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आता क्या क्या है? जैसा कि हमने बात की थी कि सारी सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ 4 पिलर्स में: ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, छोटे हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक लेजी सब्जेक्ट है, लेजी पार्ट है, मतलब इतना बोरिंग लगता है थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी करने में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तकरीबन अगर मैं 100 में से बात करूँ तो 80% के आसपास ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप कहीं ना कहीं आप खुद से डेवलप कर पाएंगे। और अगर मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलर तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ओके, सो अगर मैं बुक्स की बात करूं, तो एक ऐसी बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड है, और वो स्टीव बर्न्स की है, काम ट्रेडर। ओके, विन इन द स्टॉक मार्केट विदाउट लूजिंग योर माइंड। मैंने ये बुक खुद पढ़ी है और मैंने कंप्लीट की है, और मुझे इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन नज़र आई है वो बहुत यूज़फुल है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको इग्नोर करना है। एक ट्रेडर को खुद पहचानना पड़ता है कि उसको क्या इग्नोर करना है, क्या कलेक्ट करना है। तो आपके लिए ये बुक तब हेल्पफुल रहेगी जब आप पूरा ऑल ओवर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। वैसे आपको बहुत ये वेस्ट नज़र आएगी, लेकिन जब आप सब एक्चुअल में, जब आप ट्रेडिंग इस तरह सही ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, तब आपको ये बुक जो है बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो अब ज़रूरी बात यह है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ओके, जब आप आज फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, आज का दिन है, आज मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसी तरीके से ट्रेड कर सकता हूं? मैं अभी नॉर्मली अपने घर में मान लो रहा और मेरा मूड कुछ और है और मैं जाके से ट्रेडिंग करने लग गया, तो क्या ये सही होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हमको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग में दोस्तों हमको वॉरियर बनना पड़ता है। ओके, अब ये समझ रहे हो कि वॉरियर का मतलब तो होता है लड़ाका। ओके, तो यहाँ पर ये कैसे संभव है, है ना? तो आपको वॉरियर बनना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। वो ये है कि वॉरियर आपको किसके लिए बनना है? आपको वॉरियर खुद के लिए बनना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज द बैटल ऑफ सेल्फ। यानी कि ट्रेडिंग में आप खुद से लड़ते हैं। आपके अंदर जो इमोशंस हैं, आपकी ही, आपकी जो, आप जो होप करते हैं उससे आपकी लड़ाई होती है, आपकी ग्रीड से, आपकी ईगो से, सबसे बड़ी बात आपकी ईगो से आपकी लड़ाई होती है।
अब मैं आपको एक चार्ट दूंगा, वो चार्ट आगे आने वाले वीडियोस में मिलेगा। उस चार्ट को आप देख के समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लॉसेस को रन जो होने देते हैं या फिर प्रॉफिट को रन होते हैं, प्रॉफिट जल्दी काट लेते हैं, तो इनका रीजंस क्या होता है। इनका सबका एक सबकॉन्शियस रीजन होता है और वो होता है पेन। और पेन से बचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था बेस्ट लूजर विंस वाली वीडियो में, हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर एक रेप्टाइल माइंड बैठा हुआ है जो इसका काम सिर्फ एक है और वो है हमको प्रोटेक्ट करना। हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी पेन होता है तो वो तुरंत एक्टिवेट होता है और मैसेज करके हमसे एक्शन करवा लेता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग में इस रेप्टाइल ब्रेन, रेप्टाइल माइंड को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो रेप्टाइल माइंड पे बना दूंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग में हमको वॉरियर बनना पड़ता है खुद के लिए, ओके, खुद से हमको लड़ना पड़ता है। ट्रेडिंग इज अ बैटल ऑफ द सेल्फ। सो हमको जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज अगर ट्रेडिंग डे है, आज हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उस ट्रेडिंग डे से जूझने के लिए हमको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उस ट्रेडिंग दिन के दौरान हो सकता है कि हमको लालच आए, हो सकता है हमको डर लगे, हो सकता है कि हम प्रॉफिट अगर हो रहा हो जल्दी बुक कर दें या फिर लॉसेस को बहुत लंबा होने दें। तो इन सब से लड़ने के लिए हमको हमारे जो वॉरियर माइंड है, हमको जो ट्रेन करना है। वॉरियर क्या करता है? वो ट्रेन करता है खुद को। एक ट्रेन लड़ाका होता है वॉरियर, ओके, वो जो है वो लड़ना जानता है कि कैसे उस पेन जो हमको मिलेगा जब हम ट्रेडिंग करेंगे, जो और ये किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया होप, ग्रीड, आपका फियर, इस किसी भी इस तरह की इमोशंस जो हमको टैकल करना पड़ता है पूरे डे ट्रेडिंग के दौरान, उन सब से लड़ने के लिए हमको काम आता है ये हमारा वॉरियर जो ट्रेंड माइंड है। और इस माइंड को ट्रेन करने के लिए आप क्या चीज़ें चाहिए होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले तो आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो वो किस बेस पे करेंगे, यानी कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि आप ट्रेडिंग जो है करेंगे तो क्या बेस पे करेंगे। क्या आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं जो कि वेस्ट है, फुल टाइम वेस्ट है, आप ओवरऑल लॉस में रहेंगे या ब्रेक इवन में रहेंगे। इसलिए फुल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। प्रेफर करिए प्राइस एक्शन समझने की, मार्केट में एक्चुअल क्या हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स पे, जो कि कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं मार्केट को यहाँ से वहाँ गिराने चढ़ाने में, ओके। यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं जानता कि मार्केट किधर जाएगा। अगर कोई बोलता है कि भैया मेरे को पता है कि मार्केट किधर जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है, ओके। सो तैयारी करने के लिए, एक वॉरियर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपको बनाना है, मतलब आप ट्रेड करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, तो उसके लिए तक आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है पिछले एक दो साल तीन साल के चार्ट्स को प्रिंट कर लीजिए कि जिस स्टॉक में या फिर जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिस चार्ट में आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास पूरे एक साल का चार्ट रखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा एक साल का प्राइस मूवमेंट है, मार्केट के प्राइस मूवमेंट है पिछले एक साल का। तो अगर आप इन चार्ट बाई चार्ट अगर आप पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो आपका दिमाग वो ट्रेन हो जाएगा सिर्फ उस तरह की ट्रेडिंग करने के लिए। आपको सिर्फ उस तरह की ट्रेडिंग करनी है, कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स आपको बना लेना है, ट्रेडिंग प्लान बनाना है कि आप कैसे ट्रेड करेंगे, पहली चीज़ तो ये, तब आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा करना क्या है। दूसरा, चूँकि इंसान जानकर भी गलती करता है, यानी कि हमको पता है कि हाँ क्या गलती हुई है, लेकिन अभी मैं बोल दूंगा हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन कल अगले दिन मैं फिर से बोलूंगा क्या मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, मैं करता नहीं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। इस तरह की चीज़ें अक्सर लोग बोलते हैं, इंसान है ना ऐसा ही रहेगा। तो इसीलिए सब नॉर्मल है, हर ह्यूमन बींग नॉर्मल है, बट ट्रेन करने के लिए, ट्रेडिंग में सक्सेस अगर हासिल करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। थोड़ी सी क्या, एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही टॉप 5 या 10% में नहीं आया जाता, ओके। तो दूसरी चीज़ है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें, मतलब जर्नल, ट्रेड जर्नल, जिसमें आप क्या करेंगे, डेली जो आप ट्रेड करते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे कि आपका मूड कैसा था आज। फॉर एग्जाम्पल आज मैं ट्रेड करने गया तो मेरा सुबह सुबह मूड आज ख़राब था, बट मैं ट्रेडिंग करना, मेरे को बस इच्छा हुई कि भाई मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो इस तरह की ट्रेडिंग बहुत डेंजरस होती है, अवॉइड कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डे बाई डे जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एक जर्नल मेंटेन करता हूँ और मेरे पास सारा इसका ब्यौरा रहता है कि आज क्या हुआ, मैंने जब ट्रेड किया तो मैंने क्या बेस पे किया, क्या सोच के किया, क्या उस वक्त मुझे इच हो रही थी, एकदम बहुत लालच आ रहा था कि मैं जल्दी से घुस जाऊँ ट्रेड में, या फिर सच में कोई सेटअप बना था,
दूसरा प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट को मैं जब बुक कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या वो सिस्टम मुझे बोल रहा है बुक करने के लिए, क्या कोई इंडिकेटर बोल रहा है मुझे बुक करने के लिए, कि मैं खुद से ही ऐसे बस बुक कर रहा हूँ मेरे दिमाग को बोलने उसके शांत करने के लिए, जो मेरे दिमाग को बार बार उतावला हो रहा है भाई प्रॉफिट हो रहा है, भाई प्रॉफिट हो रहा है बुक कर बुक कर, क्या इस उतावलेपन को दूर करने के लिए, इस दर्द को कि भाई प्रॉफिट चला ना जाए, क्या मैं इसलिए बुक कर रहा हूँ? तो ऐसा ये सब चीज़ों को लिखना पड़ता है। जब आप इसको कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे धीरे 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 आपका दिमाग जो है वो ट्रेन हो जाएगा और वो गलती करना बंद कर देगा और आप एक अच्छी ट्रेनिंग कर पाएंगे। ओके, एक असली मिस्टेक अकाउंटिंग में तभी पता चलती है जब उसको गो थ्रू करते हैं, इसलिए ट्रेडिंग को लिख जर्नल की ट्रेडिंग जर्नल करने के बाद आपको गो थ्रू भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज ट्रेडिंग आपने की तो शाम को बैठ के आप उसको एक बार रिकैप कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है। सो आप लाखों घंटे के वेबिनार्स और वीडियो लेक्चर्स और हज़ारों बुक के बीच अगर आप तलाश कर रहे हैं एक असली स्टडी की, असली एक आपको चाहिए कि कहाँ से मैं क्या पढ़ूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओल्ड ट्रेड्स, आपके पुराने ट्रेड्स जो आप ट्रेड, जैसे आज आपने ट्रेड किया, आज से एक महीने बाद हो सकता है कि सेम वही चीज़ आप ट्रेड करने वाले हो पर आपको पता नहीं क्योंकि आपने उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल की जाती है कि आप वो जो इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे आज का मार्केट कैसे मूव किया, अगर आपके पास वो स्क्रीनशॉट है आपने कैसे उस पर ट्रेड किया, तो आपके जो पुराने ट्रेड्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके फर्दर ट्रेड्स में, ताकि आप उस वक्त सही डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकें। तो ओल्ड ट्रेड्स आपके बिगेस्ट टीचर्स हैं। ये सब जितने भी स्क्रीन में लिखे हुए हैं, ओल्ड ट्रेड्स, मिस्टेक्स, विक्ट्री, इंस्पिरेशंस, वार्निंग्स, ये सब ग्रेट टीचर्स हैं आपके लिए। यही सब चाहिए आपको। अगर आप इनमें ध्यान देंगे तो आपको और किसी भी फालतू इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मतलब न्यूज़ एंकर की बात सुन के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे टूल की ज़रूरत नहीं है जो आपको बोलते हैं भैया 100% प्रॉफिट ले लीजिए, सर कल ट्रेडिंग कीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ हम लोग की कंपनी जो है एक्स वाई जेड फलाना डिमका आपको 100% शॉर्ट कॉल देगी। इन सब से बचिए, ये सब ऐसे लोग हैं जो आपका खाता गुल बत्ती ख़त्म ब्लास्ट, आपका मतलब अकाउंट ब्लोन ख़त्म, आपका अकाउंट बचेगा ही नहीं, दूर रहिए इनसे। ओल्ड ट्रेड्स, अपने जो पुराने ट्रेड्स हैं उनसे सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए कि आपने आज अगर ट्रेड किया है तो गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है, आपकी विक्ट्री, अच्छा अब विक्ट्री से क्या सीखने को मिलता है, भाई मैं तो जीत गया अब मुझे क्या सीखना है, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है, ट्रेडिंग बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें आपको कई बार ऐसी विक्ट्री मिलती है जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके बैड बिहेवियर को फॉलो थ्रू कराती है, मतलब आप एक गलत काम कर रहे हैं बट आपको उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अपनी विक्ट्री को भी पहचानिए, विक्ट्री से भी सीखिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं। विक्ट्री से आप पॉजिटिव सीख सकते हैं, नेगेटिव भी चीज़ सीख सकते हैं। इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा आपको खुद के ट्रेड से, आपके खुद के ओन स्टाइल, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ओके आप कैसे ट्रेड करते हैं, आप इससे इंस्पायर होते हैं, आप डे ट्रेडिंग में आपको इंस्पिरेशन मिलती है या फिर कैसे, तो वो सब आपको खुद से सीखना पड़ेगा। वार्निंग्स, मार्केट आपको क्या वार्न करता है, कई बार जब आप प्राइस एक्शन एक्चुअली में रीड करते हैं जब चार्ट को ना, तो मार्केट आपको वार्न करता है कि भैया नहीं यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना, यहाँ आपको ट्रेड लेना है। वार्निंग्स आपका ब्रेन देता है कि भैया यहाँ मैं आपको ग्रीड दे रहा हूँ, यहाँ मैं आपको होपफुल बना रहा हूँ कि होप कीजिए आएगा, भरोसा रखिए सर भरोसा रखिए आएगा। ये सब से आपको सीखना पड़ेगा, यही सब आपको एक ग्रेट ट्रेडर बना के रहेगा जो टॉप 5-10% में आते हैं। सो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, ऑब्वियसली लगी होगी क्योंकि एक बहुत रियल कंसेप्ट है जो कि कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि आपको पढ़ाया होगा। ओके, तो अगर आपके पहचान में कोई ऐसा ट्रेडर है जिसके लिए वीडियो हेल्पफुल है उसको शेयर कर दीजिए और ख़ुद भी देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।